जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महात्म पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह अगर चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शारंग धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में चले जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि किसी अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में कभी स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान शिव का भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यानी कि भगवान शिव का भक्त होकर विष्णु की निंदा करना और भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करना घोर पाप कहलाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव दो नहीं बल्कि एक हैं। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र जो पुरुष इस एकादशी का व्रत करता है वह मातृ पक्ष की, पिता के पक्ष की तथा स्त्री के पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं, यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार मैंने पापांकुशा एकादशी का वर्णन कर दिया है। इसका महात्म सुनने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में निवास करता है। बोलो एकादशी माता की जय।